You cannot choose your neighbors. ये लाइन तब बोली जाती है जब आपके किसी काम के अंदर काम आने वाले कोई दूसरे अगल बगल के फैक्टर्स आपके हिसाब से जब नहीं होते और काम में दिक्कत ले आते हैं, तब ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आप आजू बाजू की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस अपनी चीजों को कर सकते हो। यही पर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो भारत का जो आजू बाजू का सिनेरियो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है और हम सब ये जानते हैं। पाकिस्तान, चाइना और इनफैक्ट हमारे यहाँ पर अब कुछ और नेबर्स भी हमें काइंड ऑफ थ्रेट के तौर पर देखना जरूरी बनते जा रहे हैं। लेकिन भारत ने कुछ समय पहले एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी जो थी एक्ट ईस्ट और एक और पॉलिसी थी जो थी नेबरहुड फर्स्ट। इसके अंतर्गत जो देश हमसे एटलीस्ट फ्रेंडली है या ओके है उनके साथ में जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने की हमें कोशिश करनी थी। अब पाकिस्तान चाइना से तो हम बहुत अच्छे रिलेशन कभी भी नहीं बना सकते, एक जो है एनिमी है, एक जो है हमारा कंपटीटर है। लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, ये दो ऐसे नेशन है जहाँ पर ये चीजें की जा सकती थी। और यहाँ पर एक जो बहुत ही ज्यादा मेजर कैटलिस्ट बनता है इन रिलेशंस को अच्छा करने के लिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम जो है एस काउंटर बहुत बड़े लेवल पे बना रहे हैं। इसका मतलब क्या दोस्तों, चाइना अगर नेपाल को बहुत सारा पैसा देता है, कोई चीज उनकी बना के देता है, उनको इकोनॉमिकली फायदा दिलाता है, तो एज इंडिया हमें ये कहना गलत हो जाता है अगर हम प्रैक्टिकल सेंस से देखें तो कि वो चाइना से ये चीजें ना ले। हम उनको लाख बार बता सकते कि चाइना बाद में तुम्हारा फायदा उठाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन जो एक पर्टिकुलर कंट्री है वो अपना फायदा ही सोचेगी। सिमिलर चीज बांग्लादेश भी है और इसी के हिसाब से वो अपने डिसीजंस लेते हैं जिनके अंदर हम कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रख सकते इन्फ्लुएंस के अलावा। और इसलिए जरूरी ये बन जाता है कि जब हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात करें तब भारत वो चीजें ऑफर करे इन देशों को जिनको चाइना से नहीं मिल रही या बेहतर कुछ दे ताकि वो हमें चूज करें। इंफ्रास्ट्रक्चर इसी में से एक है। रिसेंटली शेख हसीना जब भारत में आई थी पीएम मोदी के वोट टेकिंग सेरेमनी के लिए, तो जो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे थे नेपाल, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट वगैरह होते हुए, इनके ऊपर बात हुई जो बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया के रिलेशंस बेहतर बनाता है। और इसी तरीके से 40 नई रेलवे लाइंस ऐसी बन रही है जो कि सैंक्शन कर दी गई है और इनका फाइनल लोकेशन सर्वे भी सैंक्शन हो गया है हमारे नेबरिंग अच्छे कंट्रीज के साथ जो कि है बांग्लादेश और नेपाल। और ज्यादातर ये लाइंस नॉर्थ ईस्ट में से जाती है। आज की इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे ही कि ये 14 लाइंस क्या है, कहां से जाती है, कितनी लंबी है, लेकिन फिर इनका इंपैक्ट किस तरीके से होगा वो भी समझेंगे। दोस्तों बांग्लादेश की अगर हम पहले बात करें इन सारी लाइंस के अंदर से, तो 861 किलोमीटर्स ऑफ रूट्स प्रपोज्ड है। पहली लाइन जो है वो है बलूघाट से लेकर हिली, हिली से परबतपुर, वहां से कौनिया, वहां से ललमहृत, वहां से मोगलहट और वहां से गीतलाहा। ये 32 किलोमीटर का रूट है जिसमें से वैसे 14 किलोमीटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लेकिन वो नैरो गेज पे है जिसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाएगा। अगले रूट के बारे में बात करें तो वो बलूघाट से लेकर धुबरी तक का एक रूट होगा जो इन्हीं कुछ रीजन में से गुजरेगा। 56 किलोमीटर का रूट है, 38 किलोमीटर ऑफ न्यू रेल लाइन ऐड होगी। नेक्स्ट रूट होगा बलूघाट हिली गईबंदा से होते हुए मेदी पठार तक का सेक्शन, 250 किलोमीटर की ये ब्रांड न्यू रेल लाइन होगी और मेजर सेक्शन यही होने वाला है। नेक्स्ट लाइन होगी मंगरुजन से पीरगंज होते हुए हल्दीबारी तक जाने वाला रूट और ये 60 किलोमीटर की ब्रांड न्यू रेल लाइन होगी। नेक्स्ट होगा डालखोला से लेकर पंचगढ़ होते हुए हल्दीबारी का एक सेक्शन, ये 80 किलोमीटर का रूट होगा और ये भी एक ब्रांड न्यू लाइन होगी। नेक्स्ट होगा राधिकापुर से लेके बीरोल होते हुए कनुआ होते हुए गीतलदाह सेक्शन, 230 किलोमीटर का रूट होगा जिसमें थोड़ा कन्वर्जन होगा। इसके बाद में जो अगला सेक्शन होगा वो होगा गीड़े दरसाना इश्रवड़ी तोंगी होते हुए अगरतला रूट जो 100 किलोमीटर का एक गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट है। और लास्टली एक बहुत ही ज्यादा कनेक्टिविटी रूट लाने वाला होगा पेत्रापोल से लेके बेनापोल, निमतला, ढाका, तोंगी होते हुए जाने वाला अगरतला रूट, ये बांग्लादेश के कैपिटल तक को कनेक्ट करेगा और ये 120 किलोमीटर के गेज कन्वर्जन के साथ में बनेगा। ये प्रपोजल्स जो है दोनों देशों के बीच में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। नेपाल वाले रूट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट से जो जाते हुए रूट्स है, अगर हम आगे नॉर्थ ईस्ट वाले रूट्स की बात करें तो अब फोब्सगंज लक्ष्मीपुर का एक सेक्शन होगा 17 किलोमीटर का, ठाकुरगंज से लेके चतराहट सेक्शन होगा 24.40 किलोमीटर का और कुमेदपुर से लेकर अंबारी फलकटा सेक्शन होगा तकरीबन 170 किलोमीटर का लाइन कन्वर्जन के साथ। और लास्टली नेपाल रूट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 202.5 किलोमीटर के रूट्स प्रपोज्ड है और ये हो गए बिरतनगर से लेके न्यू माल जंक्शन सेक्शन जो 190 किलोमीटर की रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन होगा। और इसके बाद में होगा गागालिया से लेकर भद्रपुर तक का सेक्शन जो कि पजली बाजार में एंड होगा और ये 12.5 किलोमीटर की न्यू रेल लाइन होगी। ये रेल लाइंस जो हमारा चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां पे भी कनेक्टिविटी मजबूत करेगा। लेकिन अब ये इतनी सारी लाइंस क्यों बनानी है? दो चीजें है। पहली बार चाइना तो अपने प्रपोजल्स लेके आता ही रहता है, फिर पोर्ट्स हो, रेल लाइंस हो, हाईवेज हो, अपने आप जो है वो इन देशों के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है।
हमें उनको काउंटर करने की जरूरत है। दूसरा इशू है ये सिक्योरिटी का। कल को अगर कोई भी नेबरहुड के अंदर परेशानी होती है तो फिर चाहे वो हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हो या हमारे पैसेंजर्स आर्म्स पर्सनल्स कुछ भी हो या फिर इन देशों के लिए उल्टी चीज हो, यहाँ पर ये कनेक्टिविटी लाइंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से लिए जाने वाले डिसीजंस हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ये सब चीज जो है उस समय पे इस्तेमाल नहीं होगी बल्कि इमीडिएटली इस्तेमाल होना शुरू होगी। सबसे बड़ा चीज जो यहाँ पर होगा वो होगा ट्रेड। बांग्लादेश एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, चाहे इंडिया से कितनी भी छोटी क्यों ना हो उनके साइज के हिसाब से वो अच्छा से ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको इंडिया के साथ में ट्रेड करना एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बात है क्योंकि हमारी इकोनॉमी उनसे कई गुना बड़ी है। तो फिर चाहे वो रॉ मटेरियल्स का आना जाना वाला हो, पोर्ट्स के अंदर सामान जाना हो, रॉ मटेरियल्स पूरा सप्लाई चेन बनना हो दोनों देशों के बीच में, यहाँ पर रेल लाइन्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी क्योंकि ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को काफी कम ले आएगी और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी।